तो ये रही यहाँ पे यामाहा की जो न्यू जनरेशन यहाँ पे निकल के आई है, वो यहाँ पे आपको सामने दिख रही होगी। इसके चार कलर ऑप्शन यहाँ पे खड़े हुए हैं शोरूम पर। ये देखिए चारों कलर ऑप्शन यहाँ पे खड़े हुए हैं यहाँ पे। तो ये जो नई जनरेशन R15 यहाँ पे जो आई है वो है यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे इसका डिस्क ब्रेक और व्हील दिया गया है। ये इसका फ्रंट में ऐसा कुछ है, और हेडलाइट्स यहाँ पे और टर्न सिग्नल लैंप भी इसमें एक साथ दिए गए हैं। तो मॉन्स्टर एनर्जी ड्रिंक का यहाँ पे थोड़ा टचअप दिया गया है इस वाले वेरिएंट में, और साइड प्रोफाइल्स की ये है। तो साइड से कुछ ऐसे दिखती है यामाहा की R15। ये इसका बैक टायर है। आप अगर इसकी फुल डिटेल इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो मैंने इसके ऊपर एक और वीडियो बना रखी है पहले से ही, आप डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ देख सकते हैं। पूरी फुल इंफॉर्मेशन डिटेल वहाँ पर मिल जाएगी उस वीडियो में। फिर इसका साइड प्रोफाइल आगे का, ये इंडिकेटर यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, और ये यहाँ पे आपको ये इसका टैंक है। सीट की बात करो, सीट अलग अलग यहाँ पे देखने को मिली है आपको। यहाँ पे अब दिख रहा है यहाँ पे इसकी स्क्रीन दी गई है इसके अंदर। यहाँ पे इंजन के लिए स्विच दिया गया है यहाँ पे, और ये दूसरे हाथ पे ये सारे बटन्स यहाँ पे दिए गए हैं। तो ऐसा कुछ दिखता है ये यहाँ से। और ये इसके देखिए और जो तीन कलर हैं वो रेड में, ब्लैक में और वाइट में यहाँ पे दिए गए हैं सिल्वर में। तो ये चार कलर ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल थे, तो मैंने कि आपको दिखा रहा हूँ मैं। तो ऐसे कुछ लगती है यहाँ पे यामाहा की R15 जो न्यू जनरेशन यहाँ पे निकल के आई है। मुझे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगी है, और बाइक काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रही है मुझे। और इसकी ये साइड प्रोफाइल यहाँ पे मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। हाइड्रोलिक यहाँ पे सस्पेंशन देखने को मिल रहे होंगे आपको। ये इसके साइड प्रोफाइल, ये इसका साइड रियर डिस्क ब्रेक दिख रहा होगा आपको वहाँ पे। ये है सब रियर सस्पेंशन। तो ऐसे कुछ बाइक है R15 की न्यू जनरेशन, नेक्स्ट सीरीज बोल सकते हैं इसे, न्यू जनरेशन बोल सकते हैं, अपग्रेड बोल सकते हैं। तो बहुत सारे फीचर्स के अंदर मिलते हैं पहले के मुकाबले। तो ये रही यामाहा की R15 न्यू।